राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो। श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास, राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है। सोते रो वाधीन, सोते रो जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गाइए हो कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, गाइए यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी,
वृंदाय तुलसी देव्याए प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी राधा कृष्ण सेव पावो एवी नासी। राधा कृष्ण सेव पावो एवी नासी। जे तो मार शरण लो तार वांच पूर्ण हो। कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी नमो कुंजे दियो वास। नयने हेरी बसदा युगल रूप रासी। तुलसी कृष्ण सखीरनुगत कोरो। सेवा यदि कार दिए करनी जदासी। तुलसी कृष्ण प्रिया दिन कृष्ण दासे को एही जेना मोर होय। श्री राधा गोविंद प्रेमे सदाए न भासी। तुलसी ब्रह्म हत्यादिकानी च तानी तानी प्राण शांति प्रदक्षिणा पदे पदे।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हो कृष्णा कृष्णा हरे 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 राधा गोविंद राधे जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय हो गौरनिताय जय गौरनिताय आहा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीताय गौर हरि तुलसी महारानी की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंद जय जय श्री राधे जय याद्रष्टा निखिलांग संग शमनी स्पृष्टा वपू पावनी रोगाणां मम वंदिता निरसनी सिक्तांतक त्रासिनी
प्रत्यासति विधायिनी भगवत कृष्णस्य संरूपिता न्यस्त्यात चरणे विमुक्ति फलदा तस्ये तुलस्ये नमः तस्ये तुलस्ये नमः वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीतांबर दरुणबिंबफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन् वटस्य पत्र स्यपुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि भक्त्या विहीना अपराधलक्षे शीताप्तकामा दितरंगमध्ये कृपां बुधित्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की उपस्थित
भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन के वरिष्ठ भक्त गण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोता गण एवं अपने भावपूर्ण हृदय से यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले ऑस्ट्रेलिया निवासी, सिडनी निवासी शर्मा परिवार, श्यामानंद प्रभु, माधवी माता, केशव, निताई और वृंदा और इनके भाई भी आज उपस्थित है, तो आप सभी भक्तों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत श्री तुलसी महिमा। परम सौभाग्य है श्री वृंदा देवी वृंदावनी पुष्पसार पापनाशिनी नंदिनी कृष्ण प्रेयसी कृष्ण प्राण जीवनी श्री वैष्णवी विश्व पूजिता विश्व पावनी ग्राम्या सुलभा बहुमंजरी गौरी अपेत राक्षसी शुभ लक्षणी देवदुंदुभी आदि अनेकों नामों से जानी जाने वाली श्रीमती तुलसी देवी। श्रीमती तुलसी महारानी सभी प्रकार से शुभ है, मंगल है, कल्याणमयी है और ऐसी तुलसी महारानी की पूजा करने से, उनकी स्तुति करने से, उनको प्रणाम करने से और विशेष ऐसी तुलसी देवी की कथा का श्रवण करने से हम सब के जीवन में मंगल ही मंगल प्राप्त होता है। और श्री तुलसी महारानी की कथा श्रवण करने से, कथा श्रवण करने वाले भक्तों की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी प्रकार से, चाहे किसी भी विधि से श्री तुलसी देवी के संपर्क में, संसर्ग में आता है तो निश्चित ही श्री तुलसी देवी की कृपा से उसे ब्रज वृंदावन धाम प्राप्त हो जाता है। और ब्रज वृंदावन में राधा और कृष्ण की सेवा प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण की अनेक पत्नियां हैं। भगवान विष्णु की मुख्य दो पत्नी है, आप सब जानते हैं। एक जो भगवान विष्णु ने अपने हृदय में स्थान दिया और दूसरी जिनको भगवान विष्णु ने अपने चरणों में स्थान दिया। एक है श्री लक्ष्मी देवी और अन्य है श्री तुलसी देवी। यदि आपके मन में प्रश्न हो कि हमारे भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी अधिक प्रिय है या फिर तुलसी जी अधिक प्रिय है, अब आप तो ऐसा ही कहोगे भाई जिसका खाएंगे उनका गुण गाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं शास्त्रोक्त बात कर रहा हूं कि भगवान को लक्ष्मी जी की सेवा से कोटि कोटि गुना अधिक तुलसी जी की सेवा प्रिय है। क्यों? कारण यही है कि इस दुनिया में हजारों लाखों लोग भगवान के दरबार में जाते हैं
और प्रायः मेजोरिटी लोग लक्ष्मी की कामना करते हैं, और लक्ष्मी की कामना करने के कारण श्री लक्ष्मी देवी को अपने प्रभु को छोड़कर संसार के लोगों के पास जाना पड़ता है। लक्ष्मी देवी की सेवा कैसी है? श्री लक्ष्मी देवी प्रभु की सेवा करती हैं, लेकिन संसार के लोगों के बुलाने पर परवश होकर श्री लक्ष्मी जी को उन लोगों के पास भगवान को छोड़कर जाना होता है। लेकिन तुलसी देवी नित्य निरंतर 24 घंटा भगवान विष्णु के चरणों में बैठी रहती हैं। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को छोड़कर कभी जाती हैं, आती हैं, जाती हैं, आती हैं, लेकिन तुलसी जी निरंतर भगवान के चरणों में विराजती हैं। इसलिए भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी से अधिक तुलसी की सेवा प्रिय है। यह बात श्रीमद् भागवत में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं। संतों का मत है और तेरा तुझको अर्पण कर रहे हैं। सो भगवान को, और गीता में कृष्ण कहते भी है ना कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। हे अर्जुन, कोई सतत रूप से मेरा भजन करे, मेरी सेवा करे। भगवद गीता में ये शब्द बहुत बार आया, सततम नित्यम। भगवान को नित्य सेवा, नित्य भक्ति करने वाला बहुत पसंद है। हमारा क्या है ना, जब मूड हो गया तो 64 माला, 128 माला, और जब मूड नहीं होता है तो 16 भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। हमारा मूडी भक्ति है। हमारे वहां कहते हैं सगवड़े धर्म, गुजरात में एक शब्द फेमस है, सगवड़े धर्म। सगवड़ होती है ऐसा धर्म करते हैं, ऐसा नहीं। भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को सततम नित्यम बहुत पसंद है, और इसलिए क्योंकि तुलसी देवी नित्य सतत भगवान के चरणों में रहती हैं, इसलिए भगवान को तुलसी की सेवा अत्यंत प्रिय है। और इसलिए लक्ष्मी जी को कभी कभी तुलसी जी से ईर्ष्या होती है। ये हमारे जीवन में होती है ऐसे नहीं, आध्यात्मिक ईर्ष्या कि भाई मुझे तो संसार के लोगों के पास जाना पड़ता है, लेकिन ये तुलसी का सौभाग्य तो देखो कि निरंतर भगवान के चरणों में बैठी रहती है। सो तुलसी की बड़ी महिमा है जिनका निरंतर भगवान के चरणों में वास है। यदि कोई पूछे कि तुलसी क्या है तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इनकी पहचान थोड़ी सी लंबी है। तुलसी क्या है? तुलसी वो है जिसे नारद जैसे ऋषि ने तुलसी उपनिषद में हजारों श्लोकों में गाया। तुलसी क्या है? तुलसी अमृत स्वरूपा, देव सुधा का बीज है तुलसी, वसुधा की शक्ति है तुलसी, किलक नारायण कृष्ण वर्णी श्याम सुंदर प्रिया, साक्षात ऋग वेद का रूप है तुलसी, यजुर्वेद का चित्त है तुलसी, अथर्व वेद का प्राण है तुलसी, समस्त वेद की अंग स्वरूपा है तुलसी, पुराणों में विख्यात, अमृत से उत्पन्न, अमृत रस से पूर्ण, अनंत रूपा, असंख्य रस तथा भोग प्रदान करने वाली है तुलसी। तुलसी क्या है? तुलसी वैष्णवी, श्री भगवान विष्णु की प्रिया, लक्ष्मी की सखी, कल्याणमयी, पाप हरने वाली, पुण्य देने वाली, विष्णु के मन को भाने वाली, वृंदावन निवासी, सर्व अंग से पूर्ण, विष्णु के चरणों में अर्पण करने से विपत्ति नाशक, ग्रहण करने से दारिद्र्य नाशक, जल डालने से महापाप नाशक, सुगंध लेने से रिदमल नाशक, और श्रवण करने से जन्म और मृत्यु के चक्र का नाशक।
ये है तुलसी महारानी। अद्भुत महिमा है श्री तुलसी देवी की। अब मुझे तो ये हो रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि भक्तों तुलसी महारानी की महिमा भागवत, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, इन सब ग्रंथ को एकत्रित की जाए ना तो एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाएगा, एक बहुत बड़ा पुराण ही बन जाएगा। इतनी महिमा हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने तुलसी महारानी की, तुलसी देवी की गाई है। लेकिन हमारी परंपरा कुछ ऐसी रही, चाहे भागवत हो, चाहे रामायण हो या अन्य पुराण हो, इन सब के मूल में देवाधिदेव महादेव बैठे हैं। इन सारे पुराणों के मूल वक्ता शिव जी हैं और श्रोता देवी पार्वती हैं। सो आइए, तुलसी देवी की अनंत महिमा है, हम शिव जी को लेकर कैलाश में होने वाले संवाद, शिव और पार्वती के संवाद से इस तुलसी रूपी अथा सागर में प्रवेश करें। पद्म पुराण पंचम अध्याय पाताल खंड के 80वें श्लोक से अनेकों श्लोकों में देवी पार्वती ने शिव जी से पूछा कि ये तुलसी जी का क्या चक्कर है, हे महादेव पतिदेव कृपया करके आप तुलसी जी की महिमा बताइए। आइए चंद श्लोक में आपके बीच में प्रस्तुत करूं। इन श्लोकों के माध्यम से ये पद्म पुराण का श्लोक शिव जी के मुख से निकला हुआ श्री तुलसी जी की महिमा के लिए। शिव जी कहते हैं, तुलसी पत्र पुष्पाधे माल्यम वहती यो नरह विष्णु तामपी जानीया सत्यम सत्यम न संशय सत्यम सत्यम न संशय। शिव जी पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, तुलसी पुत्र पुष्पाधे माल्यम वहती यो नरह। यदि कोई नर, यहां नर की बात हो रही है, कुत्ते बिल्ली की बात नहीं हो रही है, नर माने प्रत्येक नर, प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है, यह धर्म, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या करना चाहिए? तुलसी पत्र पुष्पाधे, तुलसी पत्र को या तुलसी की कंठी को या तुलसी की माला को अपने गले में धारण करें। ये शिव जी के वचन पद्म पुराण में पार्वती जी को कहते हैं कि पार्वती, यो नरह, जो नर अपने गले में तुलसी की कंठी या अपने बाल में तुलसी पत्र धारण करता है, तो उस नर को विष्णु ताम अपि जानिया, तो उसको विष्णु ही समझो। तुलसी धारण करने वाला देवी विष्णु से कम नहीं है। अब नर नारायण तो नहीं हो सकता, लेकिन ये महिमा के अर्थ में बता रहे हैं, महानता के अर्थ में कह रहे हैं कि तुलसी धारण करने वाला विष्णु ताम अपि जानियात, उसको विष्णु ही जानो, विष्णु ही समझो, क्योंकि जो तुलसी धारण करता है वो विष्णु जितना महान हो जाता है। और शिव जी क्या कहते हैं, सत्यम सत्यम न संशय। देखो, एक श्लोक में दो बार रिपीट करना ये दोष माना जाता है, लेकिन हम सबको विश्वास दिलाने के लिए शिव जी कहते हैं सत्यम, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं, न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। तुलसी धारण करने वाला, तुलसी पत्र, तुलसी माला या फिर तुलसी कंठी धारण करने वाला व्यक्ति को विष्णु ही समझो। विष्णु समझो माने विष्णु जितना ही आदर करो, वो विष्णु जितना ही महान है। हे देवी,
ये जो रुद्राक्ष मैंने पहने हैं, शिव जी ने पहने थे 2-5, तो शिव जी आगे कहते हैं कि तुलसी काष्ठ घटिते रुद्राक्ष रुद्राक्ष आकार कारिते। शिव जी अपने गले में वो रुद्राक्ष दिखाकर कहते हैं कि देवी पार्वती, तुलसी काष्ठ, तुलसी के पौधे के लकड़े को घटिते, घटिते माने वो मतलब उसको आकार देता है, कन्वर्ट करता है, किसमें? बोले रुद्राक्ष आकार कारिते, बोले रुद्राक्ष के मोती की तरह, तुलसी की डाली को, तुलसी के काष्ठ को रुद्राक्ष की मोती की तरह बनाकर निर्मिता, दूसरी लाइन में मालिकाम कंठे, उस तुलसी की लकड़ी को मोती की माला बनाकर निर्मित करके कंठे मालिकाम, कंठ में माला के रूप में निधार्यम अर्चम अर्चनम आरंभेत। गले में तुलसी की कंठी पहन कर ही भगवान विष्णु की अर्चना करनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये भक्तों, यदि ये कथा ध्यान से सुनो तो आपके गले में कंठी न पहना दे तो ये कथा कथा नहीं है। ये अद्भुत कथा आप ध्यान से सुनोगे ना, तुलसी देवी के प्रति आपकी श्रद्धा बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि अद्भुत महिमा हमारे वेदों ने गाई है। क्या कहते हैं? निदार्या अर्चनम आरंभेत, किसी भी प्रकार की आप अर्चना, इवन देवी देवता की भी अर्चना करो, बिना तुलसी पहने भगवान या देवी देवता पितृ किसी भी अर्चना कंप्लीट नहीं हो सकती है। आप सिद्धांत समझिए, किसी भी प्रकार की अर्चना, रोज सुबह उठकर पूजा करते हो आप, ठाकुर जी की पूजा, लड्डू गोपाल की, गौर निताई की, सो एंड सो, कोई भी आप करते हो, इवन देवी देवताओं की भी नो प्रॉब्लम आप करते हो, लेकिन बिना तुलसी की कंठी पहने आप पूजा सेवा करो तो वह सेवा भगवान तक या देवता तक नहीं पहुंचती। क्यों? सिद्धांत समझिए, यहां तो शिव जी ने कह दिया। क्यों? सिद्धांत यह है कि भगवान या किसी भी देवी देवताओं की सेवा करने के लिए, अर्चना करने के लिए शरीर शुद्ध होना बहुत महत्वपूर्ण है। आप मुझे बताइए, बिना स्नान किए कोई सेवा कर सकता है? हमारे पुष्टि संप्रदाय में तो बहुत बहुत सिंसियरता से इसे पालन किया जाता है, इवन इस्कॉन में भी, गौड़ीय संप्रदाय में भी, बिना स्नान किए हम ठाकुर जी को स्पर्श नहीं कर सकते, हम किसी भी यज्ञ में नहीं बैठ सकते, हम किसी भी प्रकार की अर्चना या सेवा नहीं कर सकते। स्नान क्यों करते हैं? शरीर की शुद्धि करने के लिए। लेकिन मैं आपको प्रश्न पूछूं, क्या पानी से स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाता है? इवन मंत्रों से आप स्नान करो, क्या शरीर शुद्ध हो जाता है? भक्तों, ये शरीर मल मूत्र का भांड है। आप पानी से कितना भी स्नान करो, आपके शरीर में मल मूत्र तो भरा हुआ है, और यदि खाली हो जाए तो आदमी जी नहीं पाएगा, मर जाएगा। तो शरीर में गंदगी लगी हुई है, और ऐसे मल मूत्र के भांड से की गई अर्चना सेवा ठाकुर जी को पहुंचती नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, यहां शिव जी का वचन है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति तुलसी की कंठी अपने गले में धारण कर लेता है तो वह व्यक्ति भगवत सेवा करने के लिए योग्य बन जाता है। अन्यथा इस अपवित्र देह से, इस देह को कितना भी रगड़ो, कितना भी धोओ, ये पवित्र नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें मल मूत्र भरे हुए हैं, ये कभी पवित्र नहीं होगा। लेकिन यदि इसमें तुलसी धारण कर ली जाए तब अपना काम हो सकता है। तो शिव जी ने यह बात देवी पार्वती से कही कि तुलसी काष्ठ घटिते रुद्र आकार कारिते निर्मिता मालिकाम कंठे निधार्या अर्चनम आरंभेत। किसी भी प्रकार की अर्चना तुलसी धारण करके करनी चाहिए। बहुत कुछ कहा है, आगे क्या कहते हैं अगले श्लोक में,
कहते हैं कंठे मालाम च यत, इसीलिए देयरफॉर तुलसी की इतनी इतनी महिमा है, इसीलिए यत्नेन, आप तीसरा शब्द देख सकते हैं, यत्न करके मेहनत करके कंठे मालाम, अपने कंठ में माला धारण करनी चाहिए। अब मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि माला कंठ में ही होनी चाहिए, नाभि पर नहीं होनी चाहिए, कुछ लोग लंबी लंबी माला पहनते हैं, ये कंठी है जिसको कंठ में धारण करें। आगे हम बताएंगे क्यों कंठ में, कंठ की क्या महिमा है। तो कंठे मालाम च यत्नेन, तुलसी जी की बड़ी महिमा है, इसलिए तुलसी जी की माला बनाकर उसे कंठी के रूप में कंठ में धारण करें। और जब कंठ में धारियत आप धारण करोगे तो विष्णु पूजक, आप विष्णु की पूजा सेवा करने के लिए योग्य हो जाओगे। और निर्माल्यम तुलसी मालाम सिरस्य च अपि धारयेत, और तुलसी पत्र से भगवान की सेवा करो और फिर वह तुलसी पत्र अपने मस्तक पर धारण करो, अपने मुख में धारण करो। कल हमने ये सुना था, अंत में ये शिवजी के ही वचन है। शिवजी पार्वती से कहते हैं कि पार्वती प्रयागे या गति ही प्रोक्ता, प्रयाग में, प्रयाग सभी तीर्थों का राजा है, तो प्रयाग शब्द से उपलक्षण में हमें सारे तीर्थों को ले लेना चाहिए। माने प्रयागे माने समस्त तीर्थे, भारत में जितने भी तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों में जाने से या गति प्रोक्ता, जो गति जो फल कहा गया है, सा गति तस्य निश्चिता, वो सारा फल, यो ध्रुत्वा तुलसी पत्रम शिरसा विष्णु तत्पर, सभी तीर्थों में भ्रमण करने का फल प्राप्त हो जाएगा यदि भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ाया हुआ तुलसी पत्र अपने मस्तक पर धारण किया जाए। तुलसी जी को धारण करने से समस्त तीर्थों का फल मिलता है। दूसरे शब्दों में, यदि आपने तुलसी धारण नहीं की और गंगा जाओ यमुना जाओ कितना भी भ्रमण करो, बिना तुलसी धारण किए किसी भी तीर्थों में जाने से कोई लाभ कोई फल प्राप्त नहीं होता। सो ये तुलसी की महिमा है। इसलिए शिव जी पार्वती को आगे कहते हैं कि हे देवी, करोति सर्व कार्याणि फलम आपनोति च अक्षयम्। तुलसी धारण करके, तुलसी की कंठी धारण करके सर्व कार्याणि सारे कार्य आप करोगे तो उस कार्य के जो फल है, आपनोति च अक्षयम्, ये जो पहली लाइन का अंतिम शब्द है ना, उसको संधि विच्छेद करना होगा। चाक्षयम जो है, च को अलग कर दीजिए, अक्षयम माने तुलसी धारण करके जो कर्म करते हैं उस कर्म का फल अक्षय हो जाता है। अक्षय माने वो कभी क्षय नहीं होता। करोति सर्व कार्याणि फलम आपनोति चाक्षयम्, तुलसी काष्ठ माला भी भूषित कर्म आचरण। इसलिए तुलसी कंठी धारण करके ही अपने जीवन के सारे कर्म, पुण्य, भक्ति, साधना या सुकृति करनी चाहिए। पितृणाम, शिव जी कहते हैं पितृणाम देवतानाम च कृतम कोटि गुणम भवेत, निवेध केशवम माला तुलसी काष्ठ निर्मिताम। तुलसी के काष्ठ की बनी हुई मालाओं से अलंकृत होकर मनुष्य, देवता और पितरों के पूजन आदि कार्य करे तो उस कार्य का फल कोटि गुना प्राप्त हो जाता है। बिना तुलसी पहने कार्य करोगे तो एक गुना फल, वो भी कंप्लीट नहीं मिलने वाला। लेकिन शिव जी कहते हैं कि कृतम कोटि गुणम भवेत, तुलसी माला धारण करके आप कोई भी कर्म करोगे वह करोड़ गुना अधिक फल प्रदान करेगा। ये मैंने कह रहा है शिव जी के वचन पार्वती को, और फिर हम सब इसे सुन रहे हैं। ये तुलसी की महिमा है। वहते यो नरो भक्त्या, बहुत सुंदर बात, यदि कोई भक्त तुलसी का वहन करता है, सीधा सिद्धांत है, तो तुलसी उसका वहन करती है।
वहन माने उठाना। यदि कोई भक्त अपने गले में तुलसी काष्ठ तुलसी कंठी को उठाता है तो तुलसी भक्त को उठा लेती है। कैसे? आप किसी समुद्र में डूब गए, भगवान करे आप न डूबो, लेकिन मान लो किसी नदी में समुद्र में आप डूब गए और डूबते हुए कोई काष्ठ कोई लकड़ा आपको दिख गया और उस लकड़े को पकड़ लिया तो डूबने से बच जाओगे। समुद्र में डूबते हुए काष्ठ का सहारा मिल गया तो समुद्र को पार कर दोगे, और भवसागर में डूबते हुए इस तुलसी रूपी काष्ठ का सहारा मिल गया तो भवसागर पार कर जाओगे। बस वहते यो नरो भक्त्या, इसलिए हमें तुलसी का वहन करना चाहिए। वहते यो नरो भक्त्या तस्य नश्यति पापतम पापकम पदाधिभि अभिचार्य इमं मंत्रम उदीरयेत। तुलसी धारण करने वाले का सारा पाप नष्ट खत्म हो जाता है। आज आपने नोट किया होगा कि जब हमने कथा प्रारंभ की तो मंगलाचरण में एक नया श्लोक उच्चारण किया। कुछ लोग गोथा खा जाते हैं, कुछ लोग को पता है कि बस इसके बाद ये श्लोक आने वाला है इसलिए मेरे साथ साथ बोलते हैं, फिर श्लोक कोई और आ जाता है तो फिर थोड़ा सा शर्मा जाते हैं कि अरे बाप रे तो दूसरा आ गया। तो आज एक अलग श्लोक, शिव जी बहुत सुंदर, तुलसी जी की इतनी सुंदर महिमा अन्य कहीं नहीं है भक्तों। इस पर आगे आने वाले दिनों में यदि समय रहा तो मैं व्याख्या भी करूंगा, लेकिन क्योंकि इस लिंक में इस श्लोक के क्रम में पद्म पुराण के पाताल खंड में ये बात आई इसलिए मैं आपको आपके बीच में वो श्लोक रखूं। चार लाइन का ये श्लोक है। यादृष्टा निखिलांग संग शमनी स्पृष्टाव पावनी रोगाणामिवंदिता निरसनी सिक्तांतक त्रासिनी प्रत्यासति विधायिनी भगवत कृष्णस्य संरोपिता न्यस्त्यात चरणे विमुक्ति फलदा तस्ये तुलस्ये नमः तस्ये तुलस्ये नमः। यूं तो शिव जी पार्वती को तुलसी जी की महिमा बताते हुए ये श्लोक कहते हैं, परंतु यह श्लोक आप तुलसी जी को प्रणाम करते हुए भी बोल सकते हैं। तुलसी जी की महिमा गाते हुए उनको प्रणाम करते हुए ये श्लोक बोला जा सकता है। बहुत सुंदर ये श्लोक है, थोड़ा संस्कृत समझने का प्रयास करें तो और आनंद आ जाएगा। चार लाइन में चार महिमा है। पहली लाइन में कहते हैं कि या दृष्टा, या माने तुलसी जी को कोई दृष्टा माने देखता है, या दृष्टा, इतना तो समझ में आ गया ना, या दृष्टा तुलसी जी को कोई देखता है तो निखिल अघ संग शमनी। निखिल माने संपूर्ण, अघ माने पाप। निखिल अघ संग शमनी, तुलसी जी को देखने मात्र से हमारे करोड़ों करोड़ों जन्म के जो पाप हैं वो सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। या दृष्टा निखिल अघ संग शमनी, पाप शमन हो जाते हैं, ये पहला पॉइंट। सो या दृष्टा निखिल अघ संग शमनी
जिसको देखने से पाप नष्ट हो जाते हैं, और स्पृष्टा और तुलसी जी को स्पर्श करने से वपुः पावनी, तुलसी जी को स्पर्श करने से हमारा वपु, हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि यह शरीर मल मूत्र का भांड है, चाहे कितना भी स्नान करा दो ये पवित्र नहीं होने वाला। लेकिन शिव जी डंके की चोट से कहते हैं कि तुलसी जी को स्पृष्टा वपुः पावनी, शरीर को पवित्र कर देता है। दो चीज हो गई, दर्शन तुलसी जी को देखने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, स्पर्श करने से शरीर पवित्र हो जाता है। रोगाणामी वंदिता निरसनी, कहते हैं रोगाणाम इव वंदिता निरसनी, और तुलसी जी को वंदन करने से शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं। रोगाणाम वंदिता निरसनी, तुलसी जी को वंदन करने से सारे रोग दूर हो जाते हैं। ये तीसरी महिमा। चौथी महिमा, सिक्ता अंतक त्रासिनी, अद्भुत। सिक्त माने सिंचना, माने तुलसी जी में जल डालना, जल अर्पण करना। सो सिक्ता, तुलसी जी में जल डालने से अंतक, अब अंतक को समझना पड़ेगा। अंतक किसे कहते हैं? अंतक माने हमारे जीवन का अंत करने वाला। हमारे जीवन को अंत कौन करता है? यमराज। इसलिए यमराज जी का एक नाम है अंतक, जो अंत कर देता है, जीवन लीला को दी एंड कर देता है। सो ऐसे यमराज क्या होता है? सिक्ता, तुलसी जी में जल डाल देने से अंतक त्रासिनी, यमराज भी त्रास में आ जाते हैं, माने यमराज भी भयभीत हो जाते हैं। यहां तुलसी जी में जल डालो और वहां यमराज के शरीर से पसीना निकल जाता है कि अरे बाप रे, अब इससे दूर रहना है। तो सिक्ता अंतक त्रासिनी, चौथी महिमा। आगे शिव जी कहते हैं, प्रतिया सती विधायिनी भगवत कृष्णस्य संग रोपिता। और यदि कोई व्यक्ति तुलसी का रोपण करे, ये अलग अलग बातें आ रही है। पहले दृष्टा, दर्शन करने से अखिल अघ पाप शमनी, सारे पाप नष्ट कर देती है। स्पर्श करने से शरीर को पवित्र कर देती है, प्रणाम करने से रोग को मिटा देती है, जल डाल देने से यमराज को कंपा देती है, और समरोपिता, अंत में रोपिता माने तुलसी को रोपने से, उसको उगाने से क्या होता है? भगवत कृष्णस्य प्रत्यास विधायिनी, भगवान कृष्ण के निकट लेकर चली जाती है। तुलसी का रोपण करने से देवी तुलसी कृष्ण के समीप, उनके बिल्कुल निकट हमको लेकर चली जाती है। और अंत में कहते हैं, न्यस्त्या तच्चरणे विमुक्ति फलदार, और वह तुलसी पत्र भगवान के चरणों में चढ़ाने से, तुलसी पत्र तोड़कर, न्यस्ता तोड़ना, तच्चरणे भगवान के चरणों में यदि हम रखते हैं तो विमुक्ति फलदार, मुक्ति नहीं विमुक्ति प्राप्त हो जाती है। तस्ये, ऐसी तुलसी महारानी को नमः, मैं बारंबार नमस्कार करता हूं, मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। सो इस प्रकार तुलसी महारानी की महिमा अनंत 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 गुणा है। लेकिन हम तो भागवत कथा सुनने बैठे हैं। वैसे भागवत को छोड़कर भी 7 दिन नहीं, 70 दिन कथा हो सकती है तुलसी जी की महिमा के ऊपर, अन्य अन्य जैसे अभी मैंने आपको सुनाया। लेकिन हमने भागवत का पाठ मांडा है, हमने भागवत सुनने हम सब बैठे हैं, इसलिए मन में प्रश्न हो सकता है कि भागवत में तुलसी कहां पर है। भागवत में भी अनेकों जगह पर तुलसी है, बस देखने का नजरिया होना चाहिए।
और आचार्यों ने उंगली पकड़कर हमारा मार्गदर्शन किया, हमें दिखाया कि किस प्रकार से भागवत जी में तुलसी की महिमा। अद्भुत है भक्तों, मेरे मन में, मेरे स्मरण में, चिंतन में भी ये पॉइंट बहुत कम होते हैं, क्योंकि तुलसी जी की कथा कब होती है? अब तो कई सालों में एक दो बार कथाएं होती हैं। तो जब हम इसे स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, पढ़ते हैं, तो हृदय चित आनंद आनंद हो जाता है। आज आप यदि आपने भागवत का अध्ययन किया है, भागवत के श्लोकों को पढ़ा है, तो आपके दिमाग की खिड़की भी आज खुलेगी। अरे बाप रे, यहां तुलसी बैठी है, इस श्लोक में तुलसी की महिमा है, ओहो यहां तक तुलसी जी। आइए, तो ज्यादा समय न लेते हुए हम सीधे उतरते हैं भागवत में। श्रीमद् भागवत जी में अनेकों स्थान पर, प्रथम स्कंद में, द्वितीय स्कंद में, चतुर्थ स्कंद में, पंचम में, षष्ठ में, दशम में, तो बारंबार तुलसी जी की महिमा है। तो ये इन सब प्रसंगों को हम सुनेंगे और फिर सात्विक तात्विक चर्चा, कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये सब करते हुए श्रीमद् भागवत कथा का संवाद करेंगे। और करना क्या है? श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में, छोड़ो मैं थोड़ा मूल में जाऊं, भागवत जी की रचना कैसे हुई? भागवत बना नहीं था, भागवत लिखा नहीं गया था। हुआ क्या, जब द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का प्रारंभ हुआ, तब भगवान वेदव्यास मुनि के मन में हुआ कि द्वापर युग तक दुनिया के लोग अपने गुरु के पास जाते हैं और गुरुकुल में बैठकर पढ़कर वेद शास्त्रों के ज्ञान को ग्रहण करते और अपना जीवन मंगलमय बनाते। इतना कुछ लिखना पढ़ना नहीं होता था, गुरु जी बोलते थे और ये सुनकर ही उसे धारण कर लेते, श्रुति धर, माने सुनने मात्र से धारण कर लेते, श्रुति धर हुआ करते थे। और आज तो एक ही बात दो बार, पांच बार, पचास बार बोलो, लेकिन फिर भी धारण नहीं होती है। हम कहते हैं कि आपको ये श्लोक याद है, तो कुछ लोग कहते हैं कि तो फिर आपको हमने क्यों बिठाया है, सारा ठेका आपको ही तो दिया है, ये सब आप लोग याद रखो, हम तो केवल सुनेंगे। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैं ही श्रोताओं में बैठा था और कोई महाराज जी प्रवचन कर रहे थे, तो महाराज जी ने कहा कि चलो आप में से कोई श्लोक बोलो, तो मेरे बाजू वाला ही बोला, गांव का था, बोले तो फिर आपको हमने क्यों बुलाया है, ये सब आपका काम है, आपको याद रखना है, हम तो काम धंधे वाले लोग हैं। खैर, तो कहने का अर्थ यह है कि श्री वेदव्यास मुनि ने देखा कि कलयुग में प्रायण अल्प आयुष्य सभ्यो कलस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयः मंद भाग्य उपद्रुता। लोगों की आयुष्य कम है, बुद्धि कम है, मति नहीं है और कुछ याद नहीं रहता है। वेदव्यास मुनि ने सोचा कि जितने भी वेद है, शास्त्र है, उसे मैं लिपिबद्ध करूं, उसे मैं लिखूं, कंपाइल करूं, ताकि कलयुग के लोग उसे पढ़ें और पढ़कर अपना जीवन संवार सके, सुधार सके। और इसीलिए द्वापर के अंत में, कलयुग के प्रारंभ में, श्री व्यास मुनि वेदों को लिखने बैठ गए। ये बात कौन कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा कि सनातन, माया मुग्ध जीवे नाहीं स्वत स्मृति ज्ञान, माया मुग्ध जीवे नाहीं स्वत स्मृति ज्ञान, जीवेर कृपाये केल, जीवेर कृपाये केल,
कृष्ण वेद पुराण। सनातन, माया मुग्ध जीवे नाही स्वतः स्मृति ज्ञान। संसार के जीव को मायाबद्ध जीव, माया में फंसे हुए जीव को स्वतः ये स्मृति का ज्ञान नहीं होगा। और इसीलिए जीवेर कृपाए कैल कृष्ण वेद पुराण। वही भगवान कृष्ण कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास मुनि के रूप में प्रकट हुए और सृष्टि के प्रारंभ में जो वेद शास्त्र स्मृति में थे उसी को वेदव्यास मुनि लिखने लगे, लिपिबद्ध करने लगे। किसके लिए? हम लोगों के लिए। सर्वप्रथम वेदव्यास मुनि ने वेद लिखे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये चारों वेद लिख दिए, थोथे भर दिए, बड़ी पोथी पत्रे लिख दिए। लेकिन व्यास मुनि ने सोचा कि कलयुग के लोग ये वेद समझ नहीं पाएंगे। जो समझ पाएंगे उसके लिए तो ठीक है, लेकिन मेजोरिटी समझ नहीं पाएंगे। तो उस वेदों को समझाने के लिए उन्होंने 108 उपनिषद लिखे। कितने? 108 उपनिषद, कठ उपनिषद, केन उपनिषद, ईश उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, 108 उपनिषद लिखे। चार वेद, 108 उपनिषद। फिर भी व्यास मुनि ने सोचा स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रैन श्रुति गोचर। कुछ लोगों का अधिकार इन वेद शास्त्रों में नहीं है, उनके लिए उन्होंने इतिहास लिखा, बहुत बड़ा इतिहास महाभारत। 1,00,000 श्लोक जिसमें थे, ऐसे महाभारत ग्रंथ लिख दिया वेदव्यास मुनि ने। किसके लिए? हम लोगों के लिए। लेकिन हम लोग तो कुछ जानते ही नहीं, न पढ़ते न लिखते हैं। व्यास मुनि ने चार वेद, 108 उपनिषद, महाभारत लिखा, फिर भी उनका मन नहीं भरा। बोले अभी भी कुछ अधूरा है, मानव समाज को कुछ मुझे देना होगा। तब वे पुराण लिखने लगे। सबसे पहले उन्होंने मार्कंड पुराण लिखा जिसमें 9,000 श्लोक हैं, ब्रह्म पुराण जिसमें 10,000 श्लोक, वामन पुराण में भी 10,000 श्लोक, लिंग पुराण जिसे हम शिव पुराण कहते हैं 11,000 श्लोक, ब्रह्मांड पुराण 12,000 श्लोक, मत्स्य पुराण 14,000 श्लोक, भविष्य पुराण 14,500 श्लोक। मुझे आपको एग्जैक्ट कहना पड़ेगा ना, राउंड फिगर से काम चल जाता, लेकिन कुछ लोग लिख रहे हैं तो एग्जैक्ट ले लीजिए। भविष्य पुराण 14,500 श्लोक, अग्नि पुराण 15,400 श्लोक, नरसिंह पुराण 17,000 श्लोक, गरुड़ पुराण 19,000 श्लोक। अब मैं तो ये हजार हजार बोल रहा हूं, ये श्लोक केवल कोई पढ़ भी लेना तो भी कल्याण हो जाए। व्यास मुनि तो लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। विष्णु पुराण लिखा 23,000 श्लोक, वायु पुराण 24,000 श्लोक, वराह पुराण जिसमें भी 24,000 श्लोक, नारद पुराण 25,000 श्लोक, पद्म पुराण 55,000 श्लोक, स्कंद पुराण 81,000 श्लोक। हजारों लाखों श्लोक श्री व्यास मुनि ने चिंतन में मंथन करते हुए लिखते गए, लिखते गए। कितना लिखा? किसके लिए? हम लोगों के लिए। हमें तो इन पुराणों के नाम भी याद हो जाए ना तो प्रणाम करने का मन होगा कि भाई नाम याद है कम से कम, हमें तो इसके नाम भी पता नहीं, अंदर क्या है तो दूर की बात है। लेकिन अभी समाज में जागृति आ रही है, लोग पढ़ रहे हैं, श्लोकों में थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन व्यास मुनि ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए। क्योंकि बात याद रखिए, शस्त्र और शास्त्र दोनों एक धातु से बने हैं। ये शब्द जो है ना, शस्त्र और शास्त्र एक धातु से बने हैं। शस्त्र शरीर को काटता है और शास्त्र इस शरीर में रहे हुए अज्ञान को काटता है, अविद्या को काटता है। तो वेदव्यास मुनि ने यह सब शास्त्र लिखे। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि इतना कुछ लिखने के बाद भी श्री व्यास मुनि को संतुष्टि नहीं थी। इतना कुछ लिखने के बाद भी
श्री वेदव्यास मुनि बड़े परेशान, बड़े चिंतित, क्योंकि व्यास मुनि ने अपने मन में सोचा कि मैंने इतने ग्रंथ लिखे, मैंने इतने इतने पुराण इतिहास आदि लिखे, कलयुग के जीवों के मन शांति के लिए, कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए, लेकिन लिखने पर मेरा ही कल्याण नहीं हुआ तो इसे पढ़ने वाले का कल्याण कैसे होगा। देखिए ये भी भगवान की एक लीला ही समझिए। व्यास भगवान के अवतार है, व्यास कभी मोह में नहीं फंस सकते, लेकिन भगवान ने लगे हाथ हम सब जीवों को यह भी सिद्धांत दे दिया, चाहे कितना भी बड़ा तिस्मार खान क्यों न हो, चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, उसे कहीं ना कहीं एक गुरु की आवश्यकता अवश्य होती है। व्यास से बड़ा कौन इस धरती पर, लेकिन व्यास जैसे व्यास को भी गुरु की आवश्यकता पड़ गई तो हम और आप कौन से खेत की मूली है, हम और आप कौन सी बड़ी चीज है। जब वेदव्यास मुनि को गुरु की आवश्यकता पड़ गई तो क्या हमें गुरु की आवश्यकता नहीं। श्री वेदव्यास मुनि ने इतना इतना काम किया, इतना कुछ लिखा, लेकिन फिर भी मन बेचैन है, मन में ग्लानी है, कुछ कमी लग रही है, और इससे वेदव्यास मुनि की आंखों में आंसू, हृदय गदगद है। इस दुनिया में जब किसी के जीवन में कोई कष्ट होता है तो किसी के ऊपर ब्लेम कर देता है कि इसके कारण दुखी हूं, इसके कारण दुखी हूं, लेकिन व्यास तो व्यास है। यहां किसको पत्थर मारे के कौन पराया है, मैं किस पर ब्लेम करूं, मैं किस पर पत्थर मारूं। कहते हैं यहां किसको पत्थर मारे के कौन पराया है, क्योंकि शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। मैं किस पर ब्लेम करूं, मैं किसको दोष दूं, क्योंकि मैं जिसको देखता हूं ना ये सब मुझे मेरे ही दिखाई देते हैं, सब अपने ही दिखाई देते हैं। इसलिए अब तो एक ही चीज बची है, दीवारों से लिपट कर अब रोना अच्छा लगता है, दीवारों से लिपट कर अब रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे भगवंत ऐसा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे भगवंत ऐसा लगता है, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोछेगा, जहां देखो उनका दामन भीगा लगता है। कहां जाऊं, मेरी चिंता कौन दूर करे। व्यास जैसे व्यास भी चिंता में पड़ गए, जीवों का कल्याण करने चले थे लेकिन स्वयं ही कंफ्यूज हो गए। होता है, व्यास जी ने एक बहुत बड़ा चरितार्थ करके दिखाया, और अब व्यास जी अपने मन में गुरु का चिंतन करने लगे कि गुरुदेव के बिना मेरी चिंता कोई दूर नहीं कर सकता। बद्रीनाथ धाम में उपस्थित हैं, उस बद्री का आश्रम में मंदाकिनी में स्नान किए, और एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में बैठे थे, और उसी समय वेदव्यास मुनि के गुरु नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, भगवान राधा और कृष्ण का नाम गाते हुए महामंत्र की धुन लगाते हुए श्री नारद मुनि आकाश के मार्ग से विचरण करते हुए बद्रिकाश्रम में श्री व्यास मुनि के पास पहुंचे, और अपने गुरु नारद जी को देखकर जैसे कोई रोगी डॉक्टर को देखकर अपना हाथ डॉक्टर के हाथों में सौंप देता है, वैसे व्यास मुनि अपने गुरु नारद जी को पूर्ण समर्पित हो गए। नारद जी ने कहा, व्यास जी कैसे हो आप, गुरु जी ये मत पूछिए, क्योंकि मैं स्वयं नहीं जानता हूं कि मैं कैसा हूं, के आमी
केने आमार जार तापत्रय। मैं स्वयं मैं चला था मानवों का कल्याण करने के लिए, मैं चला था मनुष्यों का उद्धार करने के लिए। चार वेद, 108 उपनिषद, 17 पुराण, महाभारत जैसे ग्रंथ मैंने लिखे, लेकिन गुरुदेव मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है। जब मेरा अपना ही कल्याण नहीं हुआ तो जगत का कल्याण कैसे होगा? तब नारद, ये एक केवल हम लोगों के लिए शिक्षा है भक्तों, बाकी व्यास तो व्यास है, लेकिन एक गुरु और शिष्य का संबंध स्थापित करने के लिए, गुरु की आवश्यकता, गुरु की महिमा स्थापित करने के लिए ये चरितार्थ किया जा रहा है। और फिर जो नारद मुनि ने उपदेश दिया, अद्भुत अद्भुत। नारद जी व्यास मुनि को कहते हैं, यथा धर्म चयश्चार्या मुनि वर्यानुकीर्तिता। हे मुनि मुनिवर, हे व्यास मुनि, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे, ग्रंथ आपको याद होने चाहिए, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, लिंग, ये वो, बोले इन ग्रंथों में व्यास मुनि आपने अन्य अन्य धर्मों का वर्णन किया, बहुत अच्छी तरीके से किया। लोक धर्म, देश धर्म, समाज धर्म, स्त्री धर्म, राज धर्म, आपने अनेकों प्रकार के धर्मों का वर्णन किया, लेकिन व्यास जी आप एक चीज चूक गए। चूक गए, क्या चूक गए? बोले न तथा वसुदेवस्य महिमा यनु वर्णिता। जितना आपने अन्य धर्मों का वर्णन किया उतना वासुदेव भगवान कृष्ण का वर्णन नहीं किया। वेदव्यास जी ने कुछ थोड़ा सा फिलोसॉफी समझा दूं, क्योंकि आप सब तो अभी एक्सपर्ट हो चुके हैं ना, थोड़ा सा सिद्धांत समझ लीजिए। वेदव्यास मुनि ने कुछ गलत नहीं लिखा था। वेदव्यास मुनि ने सभी प्रकार की कैटेगरी के लोगों के लिए ये ग्रंथ लिखे, क्योंकि व्यास मुनि को सबका उद्धार करना था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक स्कूल होती है तो स्कूल में सभी ग्रेड के स्टूडेंट के लिए सुविधा होती है, किंडरगार्टन से लेकर नर्सरी, जूनियर, सीनियर, केजी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सभी ग्रेड के लिए सुविधा होती है, सबको पढ़ाने के लिए टीचर होते हैं। तो व्यास मुनि ने ये जो ग्रंथ लिखे सभी ग्रेड माने सभी चेतना वालों के लिए ये ग्रंथ लिखे। कुछ पुराण उन्होंने तमोगुणी लोगों के लिए लिखे, जिसकी आसक्ति तमोगुण में है वो कुछ करते नहीं, तो केवल उनको ऊपर उठाने के लिए कुछ पुराण लिखे। तो कुछ राजसिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए पुराण ग्रंथ लिखे, कुछ सात्विक प्रकृति के लोगों के लिए ग्रंथ लिखे। तो व्यास मुनि ने सभी प्रकार की कैटेगरियों के लिए ग्रंथ लिखे। नारद मुनि का कहना क्या है कि आपने किंडरगार्टन, आपने नर्सरी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, सभी ग्रेड के लिए आपने सब सेट किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन सबसे ऊंचा ग्रेड आप लिखना ही भूल गए। आपको टॉप मोस्ट धर्म तो बताना चाहिए, मतलब अल्टीमेट गोल क्या है। मान लो कोई कोई नर्सरी में एडमिशन लेता है तो उसका गोल क्या है कि वह नर्सरी से फर्स्ट ग्रेड में जाए, फिर सेकंड में जाए, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, आगे की ओर बढ़ना, ऊपर के ग्रेड की ओर जाना, यही हमारा गोल है। तो तमोगुणी व्यक्ति रजोगुण की ओर आगे बढ़े, रजोगुणी सत्वगुण की ओर आगे बढ़े, लेकिन सत्वगुणी व्यक्ति के लिए कौन सा ग्रेड, ये व्यास मुनि ने नहीं लिखा था। माने अल्टीमेट गोल क्या है, पहुंचना कहां है। कोई स्कूल में जाता है तो क्या इसीलिए स्कूल में जाता है कि बस वहीं रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जीवन वहीं पर बिताएंगे? अरे स्कूल जीवन बिताने के लिए नहीं है, वहां पढ़कर वहां से निकलने के लिए स्कूल है, आगे बढ़ने के लिए। तो वो टॉप मोस्ट ग्रेड कौन सा है वो आपने नहीं लिखा। आपने नीचे के जितने ग्रेड का वर्णन किया, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, ये पुराण, वो पुराण में नीचे की चेतना वालों के लिए आपने जो वर्णन किया, ऊपर की चेतना वालों के लिए आपने कुछ नहीं लिखा। सो हे व्यास मुनि, आपने कृष्ण कथा का वर्णन नहीं किया। नयद वचस चित्र पदम हरे हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित कर ही चित। त्रिभुवन को पवित्र करने वाली
कृष्ण की कथा, त्रिभुवन को पवित्र करने वाले कृष्ण के गुण आपने अपने ग्रंथों में लिखे ही नहीं। यदि कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर व्याख्या करे, जिसमें अलंकार हो, व्याकरण हो, शब्दबद्धता हो, छंद हो, लेकिन उसमें कृष्ण का चरित्र न हो, तो बड़े बड़े महात्मा यत वायसम तीर्थम मुशंति मानसा, बड़े बड़े लोग उसे कौवे का तीर्थ मानते हैं, वो कूड़े कचरे से ज्यादा कुछ नहीं जहां कृष्ण की कथा नहीं है। और तदवाग वि सर्गो जनकाद विप्लवो यस्मिन प्रतिश्लोक बद्धम व्यत्यपि। और दूसरी ओर चाहे किसी की रचना में कोई कमी हो, व्याकरण की कमी है, छंद की कमी है, शब्द की कमी है, लेकिन कृष्ण का यश गाया गया है, तो बड़े बड़े महात्मा उसमें अवगाहन करते हैं। शुणवंति गायंती गृणंति साधवा, बड़े बड़े साधु उसे सुनते हैं, उसे गाते हैं, उसे गुनगुनाते हैं, क्योंकि उसमें कृष्ण कथा है। आपने कृष्ण कथा नहीं लिखी व्यास मुनि, कृष्ण कथा नहीं लिखी आपने। जितने भी ग्रंथ लिखे नीचे की चेतना वालों के लिए, उसमें बंदा कितना भी सफल हो जाए क्या प्राप्त कर सकता है? लेकिन याद रहे, इन साधारण धर्मों को छोड़कर त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरे, हरि के चरण को यदि कोई प्राप्त कर लेता है, ये छोटे मोटे धर्म में यदि कोई फेल हो जाए, छोड़ दे और हरि के चरण को प्राप्त कर लेता है, तो जिसको हरि मिल गया उसके लिए क्या बाकी रह गया? नारद मुनि की आता माजी सटकली हो गई थी, इसलिए नारद मुनि ने कहा कि त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरे, अपने स्वधर्म को छोड़कर हरि के चरण जिसने प्राप्त कर लिए उसके लिए क्या बाकी रह गया, और हरि को छोड़कर अन्य सारे धर्मों को स्वीकार कर लिया तो उसने क्या उखाड़ लिया? हिरण्यकश्यपु ने सारे धर्म निभाए थे, क्या प्राप्त कर गया? रावण ने सारे अन्य धर्मों का पालन किया था, रावण को क्या प्राप्त हुआ? कंस बहुत बड़ा उपासक था, क्या हासिल कर लिया? लेकिन हरि को प्राप्त करने वाले मार्ग में, कृष्ण भक्ति, कृष्ण कथा को सुनने वाले मार्ग में यदि कोई थोड़ा भी चल दिया, वो हरि को पा गया। चाहे ध्रुव, चाहे अजामिल, चाहे प्रहलाद, पा गए हरि को। इसलिए कृष्ण कथा बहुत सुंदर। एक श्लोक बताऊं, नारद मुनि ने एक बहुत सुंदर श्लोक कहा, बोले कृष्ण कथा की क्या महिमा है। वेदव्यास मुनि, बहुत कुछ आपने लिखा, ये पुराण वो पुराण, जो लिखना चाहिए वो तो लिखा ही नहीं आपने, आखिर ये सब पुराणों में सिद्धि हासिल करके आदमी को पहुंचना कहाँ है? अंतिम ग्रेड कौन सा? ये है अंतिम ग्रेड, देखिए आप। एत आतुर चीताणा मात्रा स्पर्शे छया मुहु भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरि चर्यानुवर्णनम हरि चर्यानुवर्णनम। हे नारद मुनि, एतत आतुर चित्तानाम, इस संसार में जैसे आपका चित आतुर है, वैसे दुनिया में सभी लोगों का चित जो है ना आतुर है। यहां जाऊं, यहां पाऊं, ये करूं, ये खाऊं, ये कमाऊं, बस चित जो है बिल्कुल आतुर है। एतत आतुर चित्ता नाम और मात्रा स्पर्श इच्छया मुहु, और मात्रा, मात्रा माने हमारी इंद्रिया, इंद्रिया चाहती हैं कि हमको विषय भोग मिल जाए। अब एक बार मिले तो ठीक है, मुहु, मुहु माने बार बार, एक बार से थोड़ी इंद्रिया मानती हैं, एक बार भोग मिला, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। एक तो चित्त आतुर है और इंद्रिया विषय भोग चाहती हैं, तो इस प्रकार का आदमी भवसागर में डूबेगा, अवश्य डूबेगा।
परंतु भव सिंधु प्लवो दृष्टो, ऐसी परिस्थिति में भी इस भवसागर को पार करने की प्लव, प्लव माने नौका, एक ही नौका है, चित्त आतुर है और इंद्रिया विषय भोग में फंसी है, ऐसे जीव को भवसागर पार करने के लिए एक ही नौका है और वह नौका कौन सी? हरिचर्यानुवर्णनम, हरि कथा, हरि चर्चा, हरि कथा बारंबार सुनना ही भवसागर को पार करा देती है, नौका के समान है। और तुमने हरि कथा ही नहीं लिखी, हरि कथा के विषय में ही कुछ नहीं बताया, बाकी सब कुछ देवी भागवत, गणेश पुराण, शिव पुराण बहुत गाए, जो गाना चाहिए वो तो गाया ही नहीं आपने। हे व्यास मुनि, ये जो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं ना नारद, मेरा प्रथम जन्म ब्रह्मा के गोद से हुआ था, और कहा शादी करो, मैंने शादी नहीं की तो मुझे श्राप दे दिया, तो दूसरा जन्म उपबरहण नाम का देवता हुआ, वहां पर भी मुझसे अपराध हुआ तो ब्रह्मा जी ने फिर से श्राप दिया, मेरा तीसरा जन्म चतुर्थ वर्ण किसी शूद्र के वहां मेरा जन्म हुआ, मेरा नाम था रामदास, पिता का नाम द्रुमिल गोप और मां का नाम था कलावती, बचपन में ही पिताजी की मृत्यु हो गई और दरिद्र मेरी माँ लोगों के घर पर काम करती, बर्तन मांजती, झाड़ू पोछा करती और अपना जीवन चलाती। नारद जी अपनी कथा कह रहे हैं, और उस समय क्या हुआ, चतुर्मास का समय था, साधु संत हमारे गांव में आए और हमारी माता जी को साधु संतों की सेवा करने का अवसर मिला, तो मैं माता जी साधु संतों के लिए भोजन बनाती, पकाती, सेवा करती, और उस समय में उस महात्माओं के बीच में बैठकर कृष्ण कथा सुनता था, और कृष्ण कथा सुनकर ऐसी लगनी लगी, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। लगन लग गई, कैसे लगी? उन साधुओं के बीच में बैठकर उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजय, उन साधुओं के मुख से हरि कथा सुनी और हरि कथा सुनकर मेरा मन हरि में लग गया, फिर तो एक दिन माता की मृत्यु हो गई और मैं भगवान के शरणों में चला गया, हरि का नाम लिया और हरि का नाम लेने से मुझे ये नारद का शरीर प्राप्त हो गया। आज 2400 घंटा इस वीणा पर हरि का नाम गाता हूं, इस दुनिया में जहां चाहता हूं जाता हूं, न पासपोर्ट न वीजा न टिकट, साधुओं का संग करता हूं और जीवन धन्य धन्य। सो व्यास मुनि, आपने सब कुछ लिखा लेकिन कृष्ण की महिमा, कृष्ण कथा रचित भागवत की रचना नहीं की। जब तक भागवत नहीं लिखोगे तब तक न तो आपको सुख और शांति मिलेगी, न कलयुग की जनता को सुख और शांति मिलेगी। छोटा सा मैसेज ये भी है, ये अन्य पुराण पढ़ के किसी का कल्याण नहीं होने वाला, क्योंकि स्वयं व्यास मुनि का ही कल्याण नहीं हुआ, हमारा आपका क्या खाक होगा हा? लेकिन हाँ, अब जो गुरुदेव ने बताया, नारद मुनि ने अब जो बताया है कि बोले अब भागवत की रचना करो, इतना कहकर नारद मुनि चले गए और यहां पर व्यास मुनि ने लक्ष्य ले लिया। अब अपने शिष्य को कहा कि भाई कल से कोई मत आना, और सबको लंबा होमवर्क दे दिया। जब किसी टीचर को शांति चाहिए ना तो इतना लंबा लंबा होमवर्क दे देते हैं, बेचारा स्टूडेंट उसी में पढ़ा रहता है।
सबको कहा कि 150 श्लोक याद करके आना, उसके पहले मेरे पास कोई मत आना। तो सब चले गए श्लोक याद करने, व्यास मुनि अकेले हो गए एकांत में। और कहते हैं निर्गते नारदे सूते भगवान बादरायण श्रुतवान तद अभिपेत ततः किम करोद विदु ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमे आश्रमे पश्चिमे तटे शम्या प्रास इति प्रोक्तम ऋषिणाम सत्र वर्धन। श्री व्यास मुनि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किए मंदाकिनी की पवित्र गंगा की धारा में, और अपने शम्या प्राश नाम के आश्रम में वे बैठे हैं। तस्मीन स्व आश्रमे व्यासो बद्री शंड मंडिते, उस आश्रम में बैठकर व्यास मुनि एक आसन के ऊपर बैठे, हाथों में जल लिया, आचमन किया, और फिर मन दद्यो स्वयं अपने मन को भगवान कृष्ण में लगा दिया। सुजी कहते हैं भक्ति योगे न मनसी, व्यास मुनि ने भक्ति के द्वारा, देखो जीवन भर तक लोग सिर नीचे पांव ऊपर कपाल भाती भस्ती का अनुलोम विलोम ये वो करते रहते हैं फिर भी मन वश में नहीं होता, लेकिन चुटकी में व्यास मुनि ने भक्ति के द्वारा अपने मन को वश में कर लिया। भक्ति योगे न मनसी, और कैसे सम्यक प्रणिहिते मले, कंप्लीट पूर्ण रूप से व्यास मुनि ने अपने मन को अपने वश में किया। और जैसे ही मन वश में हो गया तो अपश्यत पुरुषम पूर्णम, आंखें बंद हैं और मन में पूर्ण पुरुष राधा सहित कृष्ण का दर्शन कर लिया, राधा और कृष्ण को देखा। और राधा कृष्ण को देखने के बाद मायाम च तत्पाश्रयम, व्यास मुनि ने जगत की माया का दर्शन किया। कैसी माया, यया सम्मोहित जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। जो माया अपने तीनों गुणों से सत्व रजस तमस आदि गुणों से जगत के जीव को सम्मोहित करती है, ममता में फंसा देती है, और कबू स्वर्ग उठाए कबू नरक डुबाए, जो माया कभी स्वर्ग में लेकर जाती कभी नरक में डुबाती है, रात दिन तड़पा तड़पा कर मारती है, इस माया का दर्शन व्यास मुनि ने समाधि में बैठकर किया, समाधि में चले गए। व्यास मुनि की आंखें बंद है, समाधि लग चुकी है, भगवत दर्शन कर चुके हैं, और फिर माया का दर्शन, हम सब जीवों के बारे में व्यास मुनि सोच रहे हैं। और उसी समाधि में बैठकर व्यास मुनि ने देखा कि संसार के जीवों को माया से मुक्त करने का उपाय क्या है। बोले एक ही उपाय है, अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योग अधोक्षज। ये माया रूपी अनर्थ से मुक्त होने के लिए एक और मात्र एक उपाय है, भक्ति योग अधोक्षजे, अधोक्षज भगवान कृष्ण की भक्ति, और कोई उपाय नहीं है। गीता में भी कृष्ण ने कहा ना कि मामेव ये प्रवद्यन्ते मायां मेता तरमति ते, मुझ कृष्ण की शरण लेगा वही माया से मुक्त होगा, बाकी देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरक्तया, इस माया से कोई मुक्त नहीं हो पाएगा। बड़े बड़े ऋषि बड़े बड़े देवता भी फंसे हुए हैं, लेकिन व्यास मुनि को उपाय मिल गया कि जब तक कृष्ण की भक्ति नहीं होगी तब तक माया से मुक्त नहीं। तो फिर कृष्ण की भक्ति करना जरूरी है, और भक्ति का प्रथम अंग शुरुआत कहां से, श्रवणम, श्रवण करने से, कथा श्रवण करने से। और संसार के लोग कथा कब श्रवण करेंगे, जब भागवत लिखेंगे तब ऐलान करते हैं लोकस्य लोकस्य, हम सब लोगों के लिए, जानतो विद्वान, हम सब लोगों का उद्धार करने के लिए चक्रे सात्वत संगीताम, उसी समाधि में बैठकर व्यास मुनि भागवत के श्लोक बोलने लगे, धड़ा धड़ निकल लगे, जन्मा दस्य तोनु आदि तरत चार्थेषु भिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्य तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। एक के बाद एक श्लोक व्यास मुनि कहते गए, और गणेश जी वहीं पर बैठे थे, ये तो समाधि में बैठे हैं, ये तो बोलते गए, गणेश जी लिखते गए और लिखते 16,195 अनुष्टुप और शार्दुल विकृत छंद, 200 अर्ध श्लोक,
335 इति श्रीमद्भागवते 1217 उवाच, कुल मिलाकर 596,000 शब्द और 18,000 श्लोक वेदव्यास मुनि के मुख से निकल गए और गणेश जी ने लिख दिए और भागवत का निर्माण हो गया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की। श्री सूत जी उस पर मोहर लगाते हैं कि वेदव्यास मुनि के द्वारा भागवत प्रकट हुआ, लेकिन यस्याम वे श्रूयमाणा नाम कृष्ण परम पुरुष है, जो व्यक्ति इस भागवत को सुनेगा वो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेगा, और जो निरंतर सुनेगा वो अपने जीवन में शोक मोह और भय से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से श्री वेदव्यास मुनि ने भागवत का निर्माण किया। अब आइए तुलसी महारानी की महिमा, अब जो मुझे आपसे कहना है। अब मन में प्रश्न होगा कि व्यास मुनि समाधि में बैठे पूरा भागवत लिखे हैं, तो व्यास मुनि समाधि में बैठकर जो भागवत लिखे वो प्रथम श्लोक में आपके बीच में रख रहा हूं। ये प्रथम श्लोक है। इस श्लोक में ओपनिंग में भागवत में 18,000 श्लोक 335 अध्याय ये शब्द आप सबने देखा, उसमें जो पहला श्लोक है श्री वेदव्यास मुनि तुलसी महारानी का स्मरण कर रहे हैं। इवन स्मरण क्या, तुलसी महारानी को अपने समक्ष अपने सामने बिठाकर उनको प्रणाम करके तुलसी महारानी का ध्यान करके वे भागवत प्रारंभ कर रहे हैं। तुलसी जी की ये महिमा है। और इसी परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी ने भागवत जहां होती है वहां तुलसी जी को पधराई जाती है। आप इस्कॉन में देखोगे भागवत क्लास भागवत प्रवचन जहां होता है वहां तुलसी महारानी होती है। जो व्यास मुनि ने तुलसी के सामने बैठकर तुलसी जी को प्रणाम करके इस भागवत को बोलना प्रारंभ किया। कैसे? जन्मादस्य यतो न्वयादितरत चार्थे शुभिज्ञ स्वराट तिने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुहुयन्ति यत् सूरय तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम् सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि। श्री व्यास मुनि देखिए ये पूरा श्लोक बोलकर भागवत शुरू कर रहे हैं। अब देखिए हमने हजारों बार ये श्लोक पढ़ा होगा सुना होगा, लेकिन इस श्लोक की व्याख्या वंशीधर जी, पहले वंशीधर का इंट्रोडक्शन आप समझ लीजिए। श्रीमद् भागवत को सदियों पूर्व हमारे आचार्यों ने खूब इनका मंथन किया और अपने चित्त में जो भावनाएं उठी उन्होंने कमेंट्री टीकाओं के रूप में प्रस्तुत किया। उनमें से चैतन्य महाप्रभु जिनकी टीका पढ़ते थे, चैतन्य महाप्रभु ने जिनको सर्टिफाइड किया वो है श्रीधर स्वामी। अहम वेति श्रुको वेति राजा वेति न वेतिवा श्रीधरम सकलम वेति। श्रीधर श्रीधर है, भावार्थ दीपिका उन्होंने भागवत के ऊपर टीका लिखी, क्योंकि भागवत के ये श्लोक जो ना जटिल है, इसको समझने के लिए आचार्यों का सहारा चाहिए। तो इस भागवत के श्लोकों को समझाने के लिए श्रीधर स्वामी ने टीका लिखी भावार्थ दीपिका। उसी श्रीधर स्वामी की टीका को एक्सप्लेन किया, एक तो भागवत के श्लोक को एक्सप्लेन किया किसने, श्रीधर स्वामी ने, लेकिन श्रीधर स्वामी का एक्सप्लेनेशन भी बहुत हार्ड है, कठिन है, तो उनको एक्सप्लेन किया वंशीधर आचार्य ने। बिल्कुल वैलिड संप्रदाय और बिल्कुल प्रमाणित आचार्य। अब वंशीधर आचार्य ने भागवत के प्रथम श्लोक की 100 व्याख्या की। कितनी? 100 श्लोक।
एक एक श्लोक के ऊपर कितनी व्याख्या, तो उन 100 व्याख्या में एक व्याख्या मैं आपके सामने रख रहा हूं। भागवत का मूल श्लोक ऊपर है और वंशीधर आचार्य की टीका जो है वो नीचे है। इतना सटीक रूप से कहां मिलेगा है? ये तो हमारे यजमानों की कृपा और सहयोग है जिससे ये सारी सिस्टम यहां पर उपलब्ध है और हम ये सब कर पा रहे हैं। और ये कर लीजिए भक्तों, ये जितना समय ये हो रहा है ये समझ लीजिए, पता नहीं भविष्य में क्या होगा, ये मिलेगा भी कि नहीं। अब देखिए ये 4 लाइन का श्लोक है, ये ऊपर की 3 लाइन हम बाद में समझेंगे, शुरू करना है 4th लाइन के अंत से। 4th लाइन के अंत में व्यास मुनि ने क्या कहा, सत्यम परम धीमहि। गायत्री मंत्र में भी ये शब्द है, सत्यम परम धीमहि। अब सत्यम परम धीमहि का अर्थ क्या है, उसको वंशीधर आचार्य ने नीचे टीका में लिखा, भावार्थ दीपिका प्रकाश टीका का नाम है। लेकिन बस परेशानी इतनी है कि ये केवल संस्कृत में है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा समय और थोड़ी बुद्धि और थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, लेकिन कुछ बात आसानी से आप समझ सकते हैं। सत्यम परम धीमहि, इसका अर्थ क्या है? अब इसको सीधा सीधा समझना हो टीका को न समझकर पढ़कर, तो हम क्या समझेंगे, परम सत्य धीमहि। धीमहि माने ध्यान कर रहे हैं, हम बहुवचन में है धीमहि, तो हम ध्यान कर रहे हैं किसका, तो परम सत्य, दैट्स इट। अब हमको इतना ही समझ में, श्लोक में तो इतना ही लिखा है कि हम परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन तो रह गया ना कि परम सत्य कौन। तब वंशीधर आचार्य कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि वयम त्वम तुलसी तनुम सदा रिदा धीमहि। ये इसका अर्थ है, सत्यम परम धीमहि की डेफिनेशन नीचे बताई जा रही है कि सत्यम परम धीमहि माने वयम त्वम, माने इसका अर्थ ये है, वंशीधर आचार्य कहते हैं कि तुलसी जी सामने बैठी है। जब व्यास मुनि ये भागवत लिखा रहे थे, व्यास मुनि जब ये भागवत बोल रहे थे तो तुलसी जी सामने थी, तो सामने पधराई हुई तुलसी देवी को वयम त्वम तुलसी तनुम सदा रिदा धीमहि, हम इस तुलसी देवी को, इस तुलसी के पौधे, इस स्वरूप को सदा सदा के लिए हृदय में ध्यान कर रहे हैं। भागवत का ओपनिंग तुलसी देवी से हो रहा है, और ऐसा नहीं कि हम हमारी बुद्धि से बोल रहे हैं, आपको प्रमाण के आचार्यों की टीकाओं के साथ हमारे आचार्यों ने यह प्रमाणित किया है। ओके, तो इतना समझ में आ गया। अब ज्यादा आपको सब आगे पीछे का नॉलेज है इसलिए मैं सीधा ही उठा रहा हूं। तो सत्यम परम देव, सदा तुलसी देवी का हम हृदय में ध्यान करते हैं और भागवत बोलना प्रारंभ करते हैं। तो किसी ने पूछा कि कथम भूतम तुलस्याम, ये तुलसी देवी कौन है, उनका परिचय दे दीजिए। तो इस श्लोक में तुलसी देवी का परिचय तुलसी परक व्याख्या वंशीधर जी ने कर दी। कैसे, तो तुलसी देवी कौन है, तो जन्माद्यस्य। देखो एक एक शब्द में तुलसी जी की महिमा गाई जा रही है। पहला शब्द ऊपर श्लोक से पकड़िए, तुलसी देवी की प्रथम महिमा क्या है, जन्म आदि यस्य। यस्य माने हम लोग अभी अभी कथा में बैठे हैं और कथा सुनना भक्ति है, तो यस्य माने ये भक्ति जो है उसका जन्म देने वाली तुलसी है। भक्ति को जन्माने वाली कौन, भक्ति का जहां से जन्म होता है वो है तुलसी। और केवल जन्म नहीं, संधि विच्छेद करोगे ना तो जन्माद्यस्य माने जन्म आदि, जन्म आदि माने जन्म पालन और प्रलय। तो कथम भूतम तुलस्याम, तुलसी कौन है, जिस तुलसी के द्वारा हमारी भक्ति का जन्म होता है, जिस तुलसी के द्वारा हमारी भक्ति का पोषण होता है, जिस तुलसी के यदि हम अपराध करें तो उसी तुलसी के द्वारा हमारी भक्ति का प्रलय होता है। तो जन्म पालन और प्रलय
भक्ति का जन्म, भक्ति का पोषण और भक्ति का प्रलय जिस तुलसी से होता है, उस तुलसी का वयम त्वम तुलसी तनुम सदा हृदयम धीमहि, हम ध्यान कर रहे हैं। समझ में आ गया? अच्छा, फिर प्रमाण क्या है? तो प्रमाण आप सब जानते हैं, हम रोज तुलसी आरती में गाते हैं। वृंदाए तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्यश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः। बोलिए। वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्यश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः। जन्माद्यस्य, अभी तो ये भागवत का 18,000 श्लोक में से पहला श्लोक और पहला शब्द मात्र हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जन्म जिससे यस्य हमारी भक्ति का जन्म होता है वो है तुलसी। और प्रमाण है नीचे श्लोक, क्या है? वृंदाये तुलसी देविये, मतलब इसके दो नाम हैं, वृंदा देविये तुलसी देविये, वृंदा देवी और तुलसी देवी। कौन है वृंदा और तुलसी? तो केशवस्य प्रिया, केशव भगवान श्री कृष्ण की प्रिया है ये वृंदा, कृष्ण की प्रिया, केशव की प्रिया है ये तुलसी। अच्छा, करती क्या है? तो कहती है कृष्ण भक्ति प्रदे देवी, ये देवी जो है कृष्ण भक्ति प्रदान, प्रदे माने प्रदान करती है। तो कनेक्ट हो गया ऊपर से जन्माधस्य। हम तुलसी का ध्यान इसलिए करते हैं क्योंकि जिससे भक्ति का जन्म होता है, जो कृष्ण भक्ति प्रदान करती है, और इतना ही नहीं सत्यवत्य, जो जो सर्वोच्च सत्य वाली है, जो सत्यवती है, ऐसी तुलसी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो वंशीधर जी आचार्य ने तुलसी परक व्याख्या इस प्रथम श्लोक की करते हुए कहा कि हम तुलसी जी का ध्यान करते हैं। और इसको जन्माधस्य से देखा जाए तो जिससे हमारी भक्ति का जन्म होता है, जिससे भक्ति का पोषण होता है, और आगे आने वाले दिनों में सुनेंगे कि यदि नियमों का पालन न करे और तुलसी धारण करे तो भक्ति का प्रलय भी होता है, ये वो है तुलसी। ठीक है, आगे बढ़े। फिर श्लोक में दूसरा शब्द आगे क्या है? यतोन्व आदि तरत चारथेषु अभिज्ञ, माने इसका अर्थ है जो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे भौतिक और आध्यात्मिक दुख को जानती है और उसे दूर करती है। तुलसी जी को कहने की जरूरत नहीं है कि मैं दुखी हूं, वो जानती है। हम लोग कहते हैं ये अलग बात है, लेकिन तुलसी जी जानती है। क्यों? क्योंकि ब्रज के हमारे संतों ने बहुत सुंदर कहा, प्रेममयी करुणामयी माता, तुलसी जी हरि भगत न की भाग्य विधाता। प्रेममयी और करुणामयी माँ है तुलसी, और हरि भक्तों की भाग्य विधाता है तुलसी। और आगे कहते हैं, कब हूं न भक्तन करई निराशा, कब हूं न भक्तन करही निराशा, मंगलमयी पूज इय अभिलाषा। सो कभी भी भक्तों को निराश नहीं करती, बिना कहे हमारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम सबके दुख को जानती है तुलसी। आगे आगे बढ़ते हैं,
जन्मादस्य तनु आदितर चार्थ्यतु अभिज्ञ, और फिर अंतिम शब्द कौन सा है? स्वराट। स्वराट ऊपर। स्वराट माने स्वतंत्र, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। तुलसी जी कैसी हैं? स्वराट, स्वतंत्र। किस मायने में स्वतंत्र? बोले हमें भक्ति देने में स्वतंत्र है देवी तुलसी। दूसरे शब्दों में जीव पर अकारण करुणा करने में स्वतंत्र है तुलसी। देवताओं के पास तो तराजू है ना, कि भाई ये इतना करेगा तो इतना मिलेगा, इतना करेगा तो इतना मिलेगा, ऐसे कर्म है तो ऐसा मिलेगा। लेकिन तुलसी देवी बंधन में नहीं है, स्वराट स्वतंत्र है। हमारे अंदर योग्यता है, योग्यता नहीं है, चाहे हम कैसे भी हो, यदि तुलसी देवी चाहे तो हमें उठाकर भगवान के पास बिठा सकती है ना। कुछ लोगों के पास अथॉरिटी होती है। अब देखिए, आप किसी कंपनी में काम करते हो और ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, तो जो नॉर्मल जॉब होती है वही मिलती है। अब जीवन भर काम करो घिसो, लेकिन अपनी काबिलियत अपनी योग्यता से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन उस कंपनी का मैनेजर यदि चाहे तो उठाकर सीधे मालिक की ऑफिस में बिठा सकता है, यदि वो चाहे तो। उनके पास स्वतंत्रता। ठीक उसी प्रकार योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, हमारी योग्यता से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन तुलसी देवी स्वतंत्र है, वो यदि चाहे तो हमें उठाकर भगवान के सेवा में लगा सकती हैं। और इसीलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कह दिया, दीन कृष्ण दासे कोई एही जे न मोर होई। दीन कृष्ण दासे कोई एही जे न मोर होई। श्री राधा गोविंद प्रेमे सदाए न भासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मैं तो दीन हूं, मैं दीनहीन, माने मेरे अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई लायकात नहीं, कोई योग्यता नहीं है, लेकिन हे तुलसी देवी आप तो स्वतंत्र हो, सो आप राधा कृष्ण राधा गोविंद प्रेमे सदा सदा के लिए मेरे हृदय में राधा गोविंद के प्रति प्रेम प्रकट हो जाए, आशीर्वाद दे दीजिए। अब वैसे मेहनत तो करनी है, लेकिन वैसे हम हमारी मेहनत से चाहेंगे तो कितना लॉन्ग रूट है, कितना दूर, लेकिन तुलसी देवी यदि कृपा करें तो राधा कृष्ण का प्रेम प्रकट हो सकता है। इसलिए स्वराट, क्योंकि वो स्वतंत्र है, स्वराट है। सो भक्तों, समय हो चुका है, यहीं पर मैं विराम करता हूँ। आप सब भक्त के दिमाग में भी लोड हो रहा होगा, सो ये पहली लाइन पर हमने आज चर्चा की है, श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक की पहली लाइन पर। ये दो तीन लाइन जो बाकी है उस पर चर्चा करते हुए, श्रीमद् भागवत में और भी अनेकों स्थानों पर श्री तुलसी देवी की महिमा है, कुछ श्लोकों में तो कुछ कथाओं में, तो ये सब हम सुनेंगे और तुलसी महारानी के प्रति श्रद्धा बढ़ाएंगे और भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति को बढ़ाएंगे। सो आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से, बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किया, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री तुलसी महारानी की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।